10 पीसेस चिकन के। इसके बाद एक बड़ा सा बोल लेकर जिसमें के सारे चिकन के पीसेस पूरे आ जाएं, शामिल करें आधा कप दूध, साथ में ही ऐड कर दें 2 बड़े साइज़ के अंडे, साथ में ही जाएगा 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच शामिल कर दें लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच जाएगा अदरक का पाउडर। इसके बाद शामिल कर दें 2 खाने के चम्मच सिरका या फिर नींबू का रस, मैं यहाँ पे सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक एक करके चिकन के जो पीसेज हैं उनको आपने इस मिक्सचर में डिप करना है और अच्छी तरह से कोट करना है। इसके बाद कवर करके आपने इसको मैरिनेट करना होगा कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, और अगर आप रात भर इसको फ्रिज में रख दें तो वो बेस्ट है, और भी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा और चिकन बहुत ही। के लिए जो ड्राई मिक्सचर तैयार करना है उसके लिए आप लेंगे 2 कप या 250 ग्राम के जितना मैदा, आधा कप या 50 ग्राम के जितना कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, साथ में ऐड कर दें 3 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच भर के सफेद मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। अब इन तमाम चीजों को विस्क की मदद से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब मसालों की इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और अच्छी मिक्सिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इस ड्राई मिक्सचर को 2 बार छान लें। बोल में डाल देंगे तो 2 बार आप इसको छान लें और फिर इस्तेमाल करें, और बेस्ट रिजल्ट और फ्लेवर अगर आप चाहते हैं कि आए तो उसके लिए आप इसको कैनोला ऑयल में फ्राई करें, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहें तो बर्फ़ डालकर भी आप इसको बिल्कुल चिल कर सकते हैं, लेकिन पानी ठंडा होना चाहिए। तो सबसे पहले चिकन लेकर उसको आप ड्राई मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट करें। इसके बाद 10 से 12 सेकंड के लिए आपने इसको ठंडे पानी में डिप कर देना है, और फिर इसके बाद ठंडे पानी में से निकाल के दोबारा से आपने इसको सेकंड कोट करना है ड्राई मिक्सचर का, और मेक श्योर कि हर तरफ ये जो ड्राई मिक्सचर है वो चिकन के ऊपर जो है वो लग जाए, और इसी तरह से आपने तमाम पीसेस को कोट कर लेना है, और उतने ही पीसेस को कोट करें जितने के आपने फ्राई करने हैं। एक एक करके चिकन के पीसेस ऐड कर दें, और आपने पॉट को या कढ़ाई को ओवरफिल नहीं करना, चिकन के पीसेस में थोड़ा गैप होना चाहिए। मीनवाइल तैयार कर लेते हैं मज़ेदार क्रीमी गार्लिक सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 5 खाने के चम्मच दही, साथ में 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दें मेयोनीज। इसके बाद इसमें ऐड करें 1/2 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर, साथ में ऐड कर दें 1/2 चाय का चम्मच लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।